बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज मैं गंदलों का साग बनाने लगी हूँ, जिनको मैंने आज पूरा दिन तकरीबन काटने में लगाया है और अपने टीचर्स की हेल्प लेके। तो आज हमारा स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से फिर आपको काटते हुए नहीं दिखा सकी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाऊँगी तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, जो कि एक सर्दियों की ख़ास सौगात है, ख़ास तोहफा है। तो इवन लगता है मुझे आपको, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को मैंने बॉयल करके रख लिया था, तो बनाते हुए आपसे ये रेसिपी शेयर की थी। तो आज हम इसको देसी घी का तड़का लगा के तो तैयार करते हैं। इसमें लहसुन और सॉरी अदरक और हरी मिर्चों का जो है वो तड़का लगाएंगे। फिर माशाल्लाह हमारा साग सरसों का बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया है। इस पर मैंने रेड मिर्चें डाली हैं साबुत, और धनिया हरा डाल के, और ऊपर मैंने एक घी का पेड़ा जो है वो डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। मौसमी भी है और सर्दियों में सबकी ये पसंदीदा सौगात है, ख़ास तौर पर शहरों शहरी लोगों के लिए। तो व्यूअर, अगर आपको ये पसंद आए रेसिपी मेरी, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।